गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू माई डियर स्टूडेंट्स? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड यू आर सेफ एट होम. सो बी एट होम. आई एम देयर फॉर यू टू कम्प्लीट ऑल योर सिलेबस ऑफ क्लास 11. सो बी अटेंटिव इन द क्लास एंड जस्ट वॉच ऑल माई वीडियोज फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट presentation and this is the last lecture of this chapter number 4. By this lecture we will complete chapter number 4 and you have to make the notes of all the chapters. And if you want to watch any of my videos, just write it in the comment box or you can easily go to my channel and you can find all the videos in that channel. I had prepared all the playlist and you can easily watch all the videos in that playlist. So in today's class we are going to discuss class 8. See how beautiful this parrot is, how beautiful these birds are. See kitna beautiful birds hai, theek hai. So aaj hum inhi birds ke bare mein discuss karenge ki ye birds kaise reproduce karti hai, kaise respire karti hai. We'll discuss all these topics in detail. So the characteristics feature of aves are the presence of feathers. आप birds को कौन से main characteristics से अलग करते हो कि जो हमारी birds होती हैं that have feathers. जो हमारी birds हैं उनके पास क्या present है? Feathers present and most of them can fly. और most of them जो birds होती हैं वो क्या कर सकती हैं? Fly कर सकती हैं. किसके अलावा? Except flightless bird, जो fly नहीं कर सकती, जैसे कि होते हैं आपके ostrich. Ostrich के पास feathers होते हैं but then also it cannot fly. वो सिर्फ थोड़ा सा पास तक ऐसे fly कर सकते हैं but it cannot fly like the bird. So it's the exceptional case. Okay, they possesses beak. उनके पास एक beak होती है, ठीक है? आपने देखा सारे birds के पास एक beak होती है. द फोर लिम्स आर मोडिफाइड इन टू विंग्स. जो उनके फोर लिम्स होते हैं वो किस में मोडिफाइड होते हैं? दे आर मोडिफाइड इन टू विंग्स. फेदर लाइक स्ट्रक्चर में मोडिफाइड होते हैं. द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मोडिफाइड. जो हिंड लिम्स होते हैं, ठीक है, जो आपने नीचे उनके देखे हैं ना, जिसकी वजह से वो चलते हैं, स्विमिंग कर पाते हैं ईजीली, ठीक है, ब्रांचेस पे चढ़ पाते हैं, तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द हिंड लिम्स. उनके ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वॉक कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं, क्लास्पिंग कर पाते हैं और ट्री की ब्रांचेस पे इजीली चढ़ पाते हैं, ठीक है. जैसे कि आपको ये ऑस्ट्रिच का डायग्राम दिख रहा है, साइड में मैम ने बनाया, ठीक है. ये आपकी आई लैशेस हैं जो आपके आईज को, जो हमारी बर्ड्स हैं उनकी आईज को किससे प्रोटेक्ट करके रखती है? सैंड से प्रोटेक्ट करके रखती है, रेत से प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है. जो एडल्ट मेल होता है कैन स्टैंड नियरली 8 feet टॉल. वो टोटल जो मेल ऑस्ट्रिच होता है डैट इज़ 8 feet टॉल. 8 feet की हाइट होती है एंड वेट इज़ मोर देन 200 pounds. स्मॉल विंग्स होते हैं इनके, जो ये विंग्स होते हैं दीज आर स्मॉल, दैट्स वाई दे कैन नॉट फ्लाई. सॉफ्ट एंड थिक फैदर्स होते हैं, बहुत थिक और बहुत सॉफ्ट से फैदर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. स्प्लिट हूव्स विद टू टोज और स्प्लिट हूव्स होते हैं, मतलब जो लेग्स होते हैं वो हूव्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है. लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे ये बहुत तेज़ रन कर सकते हैं, बहुत इजीली भाग सकते हैं. और आपने देखा है ना, ऑस्ट्रिच के पास एक लंबी सी नेक होती है, लंबी सी, ठीक है. तो दैट इज़ दिस लॉन्ग नेक. ओके, सो देयर आर द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी विल स्टडी. स्किन जो होती है बर्ड्स की वो कैसी होती है आपकी? ड्राई होती है, जिनके अंदर ग्लैंड्स नहीं होते, विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल. जो हमारी बर्ड्स होती हैं उनके अंदर कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते. नो ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बर्ड्स एक्सेप्ट सिर्फ एक ग्लैंड होता है, डैट इज़ आवर ऑयल ग्लैंड, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपकी टेल की बेस पर, जो आपके बेस ऑफ द टेल पर प्रेजेंट होता है, ठीक है. जो एंडोस्केलेटन होता है, जो अंदर वाला स्केलेटन होता है वो बोन से बना होता है, ठीक है. उसके अंदर लॉन्ग बोन्स होती हैं जो कि हॉलो होती है. हॉलो मतलब खोखली होती है, जिसके अंदर एयर कैविटी बनी होती है. जैसे कि ये लॉन्ग इस तरीके की बोन्स होती हैं जो कि आपकी हॉलो होती है. इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता है, ये एकदम खाली होता है, ठीक है. तो इस तरीके की आप, एक सेकेंड,
इस तरीके की आपकी हॉलो बोन्स होती है जिसके अंदर सिर्फ एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक हर्ट। जो होता है वो आपका फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है, जैसा कि आपके ह्यूमंस में होता है, टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, डैट मीन्स दे कैन कंट्रोल देयर टेम्परेचर, ठीक है, ये अपना टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं और उसको कॉन्स्टेंट रख सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ द रेस्पिरेशन इज़ बाय लंग्स, जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, एयर सैक्स कनेक्टेड होते हैं लंग्स से जिसकी हेल्प से ये लोग रेस्पिरेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। ये देखो कितना सुंदर से मैम ने एग का, एम्ब्रियो का, जो इसके अंदर ये जो हमारे बर्ड्स होती है ओविपैरस होती है, ये एग्स को ले करती हैं। तो देखो मैम ने कितना सुंदर सा एग का डायग्राम बनाया कि ये शेल होता है, ये एल्ब्यूमेन होता है, द स्पेस बिटवीन एल्ब्यूमेन एंड द एम्ब्रियो इज कोरियोन, देन दिस एमनियन इज प्रेजेंट, देन इज एलोन्टोइस इज प्रेजेंट, देन दिस एयर पॉकेट इज प्रेजेंट एंड द वायलेट इज प्रेजेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एग। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल बर्ड्स अलग होंगी, फीमेल बर्ड्स अलग होंगी। जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज़ इंटरनल बॉडी के, जो फर्टिलाइजेशन होगा एग के अंदर होगा, पूरा फर्टिलाइजेशन एग के अंदर होगा, तभी तो बेबी बाहर आता है ना, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर ओविपैरस, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ओविपैरस होते हैं, और जो डेवलपमेंट होता है दैट इज़ डायरेक्ट एग के थ्रू ये ऑर्गेनिजम्स वो करते हैं। एग्जाम्पल है आपका क्रो, पिजियन, ऑस्ट्रिच, वल्चर, पिकॉक एंड पैरट। नाउ द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, स्टूडेंट्स बी हैप्पी, बहुत अच्छे से खुश हो जाओ, लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट क्लास बची है, एंड वील कम्प्लीट इट वेरी फास्ट। सी दिस मैमल्स, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, ओके, मंकीज आर ऑल्सो मैमल्स। नाउ वील डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज मैमल्स। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, जो हमारे मैमल्स होते हैं ये बहुत सारी हैबिटेट में पा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पोलर रीजन में भी, डेजर्ट रीजन में भी, माउंटेन्स में भी, फॉरेस्ट में भी, ग्रासलैंड्स में भी, और डार्क केव्स में भी। डार्क केव्स मतलब जैसे लॉयन होता है, कितने अंधेरे में भी वो केव्स जैसे उनके होते हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो वो लोग डार्क केव्स में भी रहते हैं। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ जो मैमल्स होते हैं वो फ्लाई करने में फ्लाइंग को भी अडेप्ट कर चुके हैं, और वाटर में भी रहने के लिए अडेप्ट कर चुके हैं। जैसे वाटर में कौन रह सकता है, डॉल्फिन जो होती है, शार्क जो होती है, दैट इज़ योर मैमल, वो ईजीली आपकी वाटर में रह सकती है। तो सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक, जो मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है मैमिलियन के, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैमरी ग्लैंड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यंग वंस होते हैं उनको नरिशमेंट मिलता है, ठीक है, इनके अंदर। ये जो एक चीज़ है जो इन सबको दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करती है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, इनके पास टू पेयर्स लिम्स के होते हैं, जो वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, क्लाइंबिंग मतलब जो मंकी करते हैं क्लाइंबिंग, ब्यूरोइंग मतलब जो रैबिट जो होते हैं जो ऐसे अपना घर बनाने के लिए उसको खोदते हैं ना, दैट इज, देन स्विमिंग के लिए, एंड देन फ्लाइंग के लिए, ओके। द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन प्रोसेसिंग हेयर, जो स्किन होती है मैमल्स की वो यूनिक होती है हेयर्स को प्रोसेस करने के लिए। जैसे हम लोगों की बॉडी होती है ह्यूमंस की, मंकी की बॉडी होती है, हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, दैट इज एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं उसमें पिने प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे में है सॉफ्ट बोन्स का ऊपर की तरफ पिने प्रेजेंट होता है जो हमारे ईयर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, दैट इज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपको पता है इंसीजर्स, कैनाइंस, ऑल द टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आर माउथ, ओके। हर्ट जो होता है वो फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है आपका, ठीक है, ये सब कुछ आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है। ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, डायफ्रागम होता है, लिवर होता है, स्टमक होता है, किडनी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है भाई,
एनस होता है, यूरेथ्रा होता है, ब्लैडर होता है, स्प्लीन होता है, गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, हॉर्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ट्रैकिया भी प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस भी होता है, नेसल कैविटी भी होता है, बकल कैविटी भी होता है, सब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, जहाँ से आप लोग अभी आए हो, कि ये यूरिनरी ब्लैडर का होता है, ये यूरेथ्रा का होता है, गॉल ब्लैडर का होता है, लंग्स का होता है, दैट यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. नाउ they are viviparous, that means they give birth to the young ones. वो सीधे young ones को birth give birth करते हैं. ये कोई eggs नहीं ले करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं. जो development होता है that is direct. Respiration is by lungs. जो respiration होता है वो lungs के through होता है. जो sexes होते हैं वो separate होते हैं, और जो fertilization होता है वो भी आपका internal होता है, body के अंदर होता है. एग्जाम्पल आपके बहुत सारे होते हैं, कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, कैट, डॉग, रैट, एलिफेंट एंड हॉर्सेस. विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 4. इन द नेक्स्ट लेक्चर वील डिस्कस आवर नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर वील डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर. सो बी अटेंटिव इन द क्लास, वॉच माई वीडियोज डेली. Thank you so much, my dear students, for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much. And if you want, you can take the snapshot of every slides. I am taking back to take the snapshot of the slides. If you want, you can take, okay? Take the snapshot of the slide and just complete all your notes in your fair notebook, so that you will not be think that it is the burden if you will do the work on time. Just take the snapshot of every presentation, just fast take. Yes, last class mammal, see how beautiful the diagrams are, how beautiful the pictures are, see how cute this polar bear is. Take the snapshot, my dear students. Okay, thank you so much, students. Thank you for watching.